2019 के लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर है। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी, आप इस बार फिर से जो है चुनाव प्रचार के केंद्र बिंदु हैं, 2014 में भी थे, 2014 और 19 के चुनाव प्रचार में क्या अंतर दिखते हैं? मैं सबसे पहले तो आज तक और इंडिया टुडे के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और 6 चरण में देशवासियों ने जो भारी मतदान किया है उसके लिए उनका धन्यवाद, और 7वें चरण के लिए पूरा देश अंतिम चरण में मतदान के पूरे जोश और जुस्से के साथ तैयारी कर रहा है, इसके लिए मतदाताओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2014 का चुनाव भी और 2019 का चुनाव भी, इसके केंद्र में मोदी नहीं था, उसके केंद्र में भी देश का मतदाता था, देश के मतदाताओं की का एक गुस्सा था। 2014 में जिस प्रकार से देश के सामने 10 साल का इतिहास पड़ा था, उसका एक बहुत ही गुस्से के साथ जनता आक्रोश के साथ लेकर के चुनाव के मैदान में आई थी। जहाँ तक मेरे नज़रिए से बात करनी है तो मैं कहूँगा कि 2014 का चुनाव और 2019 के चुनाव में एक बहुत बड़ा फर्क है। 2014 का चुनाव मोदी लड़ता था, बीजेपी लड़ती थी, एनडीए लड़ता था, देश की पॉलिटिकल पार्टियां लड़ती थी। 2019 का चुनाव न मोदी लड़ता है, न बीजेपी लड़ती है, न एनडीए लड़ता है। 2019 का चुनाव हिंदुस्तान की जनता लड़ रही है, दलों से भी देश की जनता 10 कदम आगे है, ये मैं अनुभव करता हूँ। दूसरा, 2014 का चुनाव सामान्य मानवी के मन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की तरफ उसका ध्यान था, 2019 का चुनाव अब देश की आकांक्षाओं का चुनाव है। पहले 5 साल आवश्यकताओं में गए, आने वाले 5 साल आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जाएंगे, ये किसी भी देश के लिए बहुत ही उज्जवल होता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि 2019 का चुनाव 21वीं सदी के भाग्य की एक मजबूत नींव बनाने का अवसर बन गया है। सर, ये जो चुनाव प्रचार है ये पूरी तरीके से राष्ट्रवाद को समर्पित लगता है। विपक्ष का ये कहना है कि आपने, आपकी पार्टी ने इसको राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लाके खड़ा कर दिया है, जो असली चुनावी मुद्दे हैं वो गायब हो गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे जो हैं वो इस चुनाव प्रचार में गायब हो गए। मेरी राष्ट्रभक्ति का मतलब होता है 125 करोड़ देशवासियों की भक्ति। मेरी राष्ट्रभक्ति का मतलब होता है मेरे देश के गरीबों की भक्ति। मेरी राष्ट्रभक्ति का मतलब होता है मेरे गरीबों के सपनों को साकार करना। और इसलिए ये मेरा पूरा चुनाव राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ है, और मेरा जीवन भी राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ है। और मैं भी मानता हूँ अगर हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों का, राजनेताओं का जीवन भी राष्ट्रभक्ति, ये उनकी प्राथमिकता होगी तो देश का भला होता। ये काम अगर पिछले 70 साल हुआ होता तो आज मोदी को गरीब के शौचालय बनाने के लिए इतनी मेहनत न करनी पड़ती, मोदी को गरीब को घर देने के लिए इतनी मेहनत न कर पड़ती, अंधेरे में डूबे हुए गांवों को बिजली पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुझे हमारे गरीब माँ बाप के बच्चों को टीकाकरण के लिए आज गांव-गांव दौड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए मेरी राष्ट्रभक्ति यही है। लेकिन देश के सामने ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि ये चुनाव म्युनिसिपैलिटी का नहीं है, ये चुनाव नगर निगम का नहीं है, ये चुनाव देश का है। देश को सीमा भी होती है, देश को सुरक्षा के मुद्दे होते हैं, देश को सेना होती है, और पड़ोस में से लगातार जब आतंकवाद एक्सपोर्ट होता हो, हिंदुस्तान में आए दिन आतंकवाद की घटनाएं हमारी विकास की यात्रा को रोकती हो, हमारे सामान्य मानवीय के जीवन को तबाह करती हो,
अगर उस मुद्दे से डर करके राजनेता चलेंगे, उससे अपना मुंह छुपा करके चलेंगे, तो देश की जनता इस प्रकार के भगेड़ू नेताओं को कभी स्वीकार नहीं करेगी। सर, क्योंकि इस चुनाव में आपको टारगेट किया गया है, पूरे विपक्ष की तरफ से सबके टारगेट पे आप हैं, खासकर ममता बनर्जी और मायावती के। ममता बनर्जी ने आपके ऊपर बहुत ही पर्सनल अटैक किए हैं, क्या आपको लगता है कि चुनाव में इस तरीके की भाषा का प्रयोग होना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल से? अच्छा होता कि मेरी चुनौती को विरोधी दल के नेता स्वीकार करते, चाहे वो केरल के हो, चाहे तमिलनाडु के हो, आंध्र के हो, कर्नाटका के हो, महाराष्ट्र के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बंगाल के हो या जम्मू कश्मीर के हो, कोई फर्क नहीं है। ये सबके सब विकास के मुद्दे पर मेरे सामने चुनाव लड़ने की ताकत ही नहीं रखते हैं, क्योंकि जब मैं कहूँगा कि हमने 5 साल में गरीबों के लिए 1.5 करोड़ घर बनाए, तो लोग उनको पूछेंगे कि तुमने 10 साल क्या किया, और जब जवाब वो देंगे कि भाई हमारे कालकाल में तो हमने तो 25 लाख घर बनाए थे, तो अब 25 लाख ज़्यादा अच्छा कि 1.5 करोड़ अच्छा, तो ये मामला वो मैदान में ले ही नहीं सकते। जब उनके पास विकास के मुद्दों पर हमारे 5 साल के परफॉर्मेंस के सामने खड़े रहने की ताकत ही नहीं है, तो उनके लिए चुनाव में टिके रहने के लिए गाली गलौज, झूठ फैलाना, अफवाह फैलाना, मनगढ़ंत बातें करना, यही रास्ता बचा, और इसलिए उन्होंने वो रास्ता चुना। अब गाली हवाबाजी करनी है तो एक नाम तो चाहिए, एक एड्रेस तो चाहिए, तो मोदी ने उन्होंने चुन लिया है, और इसलिए इस चुनाव की विशेषता है कि जो वोट मांग रहे हैं वो भी मोदी की बात कर रहे हैं, और जो वोट चुनाव में पराजित हो चुके हैं, हार चुके हैं, बचने के लिए लड़ रहे हैं, वो भी मोदी पर लड़ रहे हैं। तो एक प्रकार से विरोध पक्ष की ये मेहरबानी रही है कि मोदी चुनाव का मुद्दा बन गया। सर, इस चुनाव में जो भाषा का स्तर है वो बहुत गिर गया, क्या आपको लगता है कि राजनीति में इस तरीके से भाषा का स्तर नहीं गिरना चाहिए? हम इस प्रकार की बात करके जो निरंतर गाली गलौज कर रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं, ये जो राजनीति का स्तर नीचे गया है, ऐसी जनरल बातें करके हम लोगों ने जानबूझ करके सुबह शाम गालियों देने वालों को बचाने का काम किया है। कृपा करके गाली देने वालों के स्पेसिफिक नाम से चर्चा होनी चाहिए, स्पेसिफिक गाली की चर्चा होनी चाहिए, और उस गाली के स्तर की चर्चा होनी चाहिए। राजनीति राजनीति करके आप सबको एक ही तराजू में तोल करके, इस 20 साल से मैं गालियां खा रहा हूं, उनको बचाने का आप भागीदार हो जाते हो, कृपा करके ऐसा मत कीजिए। लेकिन शालीनता बनी रहनी चाहिए, व्यंग विनोद ये राजनीति का हिस्सा होना चाहिए, इसको लेकर के बहुत बुरा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शालीनता, सभ्यता, संस्कार, इसमें से किसी को भी पीछे नहीं जाना चाहिए। सर, क्योंकि ये चुनाव हो रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन हमेशा चुनावों में उत्तर प्रदेश की बहुत चर्चा होती थी, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की चर्चा कम, पश्चिम बंगाल की चर्चा ज़्यादा हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बाहर से आकर बंगाल के अंदर हिंसा कर रहे हैं, और वो ये कह रही हैं कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। पहली बात ये है कि दुनिया के देशों से घुसपैठिए आए वहाँ और वहाँ के संसाधनों पर कब्जा करे, वो उनको बाहरी नहीं लगते। दुनिया के देशी देश का कलाकार आए चुनाव के लिए वोट मांगे, वो उनको बाहरी नहीं लगते। लेकिन भारत माँ के बेटे, भारत माँ की जय बोलने वाले, जनगण मन अधिनायक का, वंदे मातरम का गान करने वाले, अगर उनको बाहर के लगते हैं तो सोचना पड़ेगा कि उनकी सोच कितनी सीमित है। दूसरी बात है, वहाँ चुनाव की चर्चा है ही नहीं, बंगाल की चर्चा हिंसा को लेकर है, और वो आज से नहीं है। कुछ समय पहले बंगाल में पंचायतों के चुनाव हुए और उसी समय जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। जिस जम्मू कश्मीर में हिंसा की चर्चा होती थी वहाँ करीब 30,000 लोग मैदान में थे, एक भी हिंसा नहीं हुई, शांतिपूर्ण चुनाव हुए। उसी समय बंगाल में पंचायतों के चुनाव,
लोगों को नामांकन के लिए कोर्ट में जाना पड़ा, लोगों को नामांकन करने नहीं दिया गया, वोट डालने नहीं दिया गया, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई, बूथ के बूथ जला दिए गए। आप लोगों ने एक साल पहले उस चर्चा को गंभीर नहीं माना, तब से ये चल रहा है। उसके बाद किसी भी राजनीतिक दल को और विशेष करके बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के हेलीकॉप्टर तक वहाँ लैंड नहीं करने दिए गए, प्रधानमंत्री की सभाओं में भी अनाप शनाप परिस्थितियाँ पैदा कर दी गई। ये चुनाव के पहले की बात कर रहा हूँ, और चुनाव के दरमियान भी न हमारे रोड शो होने दिए जाते हैं, न हमारी चुनाव सभाएं होने दी जाती है, न हमें टेंट बना दिए जाता है। तो एक प्रकार से वहाँ पर टेरर और जुल्म का सहारा लिया गया है, टीएमसी के गुंडे, पीछे सरकार का पूरा प्रशासन और ममता दीदी का मिजाज, ये सब मिलकर के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हुआ है। वहाँ लोकतंत्र की और चुनाव की चर्चा है ही नहीं, वहाँ मुख्य रूप से हिंसा ये चिंता का विषय है। सर, वो ये कह रही हैं कि जो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी के रोड शो में हिंसा हुई वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की, इसके वीडियो दिखा रही हैं। वो कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन उनकी कंप्लेंट पे जो है सुनवाई भी नहीं करता है। कल अमित शाह ने विस्तार से वीडियो फुटेज के साथ प्रेस को सब बताया है, हिंदुस्तान भर के प्रेस ने देखा है, और भारतीय जनता पार्टी अकेली बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रही है, हिंदुस्तान के हर कोने में चुनाव लड़ रही है। देश में कहीं हिंसा नहीं हुई, बंगाल में हुई, और वहाँ टीएमसी चुनाव लड़ रही है, और ये चुनाव में नहीं हुई, पंचायत के चुनाव में भी हुई, और इसलिए सारे प्रूफ सबूत मौजूद है। जहाँ का इलेक्शन कमीशन का सवाल है, ममता जी ने भी इलेक्शन कमीशन के सामने अपना विषय रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी रखा है, हिंदुस्तान के और दलों ने भी रखा है, और इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र रूप से काम करने से रोकने के लिए, दबाव पैदा करने के लिए अब ये नए खेल खेले जा रहे हैं। सर, क्योंकि अब चुनाव अंतिम पड़ाव पर है और 19 तारीख को मतदान होना है, 23 तारीख को रिजल्ट आने हैं, विपक्ष एक तरफ लामबंद होना शुरू हो गया है, केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो डीएमके सुप्रीमो स्टालिन से मुलाकात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी दावा कर रही है कि अन्य दल उनके साथ आ रहे हैं। ऐसे में आपको देखकर कुछ सुगबुगाहट लगती है, आपके मन में कुछ बेचैनी होती है? देखिए, ये मिलते हैं बिखरने के लिए, एक सीने गीत चलता था, मुझे याद नहीं है, ये मिलते हैं बिखरने के लिए। पहले कर्नाटक में मिले, फिर बिखर गए, फिर एयर स्ट्राइक के बाद मिले, फिर बिखर गए, फिर अभी मिल करके दबाव पैदा करना चाहते हैं, फिर बिखर जाएंगे, क्योंकि उनका एजेंडा खुद के लिए है, वो अपने लिए जीते हैं, देश के लिए जीते नहीं है, और इसलिए ऐसे लोगों की चिंता न देश करता है न मोदी करता है। आपका कहना है कि ये पूरा विपक्ष जो है संतरे की तरह अंदर से अलग अलग है, ऊपर से एक दिखने की कोशिश करता है। कुछ चीज़ें मैं मीडिया वालों पर छोड़ देता हूँ। सर, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 300 से ज़्यादा सीटें आप जीत रहे हैं, ये कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया, आप अपने भाषणों में कह रहे हैं, लेकिन जो चुनाव के समीक्षक हैं वो ये कह रहे हैं कि यूपी में आपकी सीटें कम हो रही हैं। ये चुनाव समीक्षकों ने, 2014 में हम चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं, ये उनकी समीक्षा थी। ये समीक्षकों ने 2014 में हंग पार्लियामेंट बनेगी, इनकी समीक्षा थी। 2014 में इन समीक्षकों के जो खासम खास लोग हैं, वे लोग राष्ट्रपति को मिलने गए थे कि चुनाव में सरकार बनाने के लिए किसको बुलाओगे, इसका दबाव डालने के लिए गए थे। तो ये लोग 2014 में भी गलत हुए थे, 2019 में भी गलत होंगे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के महागठबंधन का कोई असर आपको यूपी में दिखाई देता है? उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को ऑलरेडी पांचवे और छठे चरण में ही पूर्ण बहुमत दे चुका है, अब बंगाल हमें 300 के पार ले जाने वाला है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के, आनंद हुआ, और मैं फिर एक बार आपके दर्शकों को धन्यवाद जी। ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, चंदौली, आज तक।